नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप अपने ऑडी 8 के रियर सीट को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 2011 से लेकर 2017 तक आई थी, जिसका नाम है ऑडी A8L D4, जो कि 2011 मॉडल है ये, टू बी स्पेसिफिक। इस इंटीरियर के अंदर दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, एक ऐसा इंटीरियर जिसके अंदर फोर सीट कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा ऐसा। दोनों ही सीटों के अंदर जो रिमूव करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इंटीरियर में आने के बाद रियर सीट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा आपको आगे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो सीट क्या है कि आगे हो जाएगी और नीचे का जो लॉक है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। एक साइड से आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ऐसे उठा के देखोगे तो एक साइड से जो लॉक है वो उठ जाएगा, बट जो दूसरा लॉक है उसके लिए आपको नीचे सीट के यहाँ पर देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक मेटल का ये लैच मिलेगा जिसको आपको ऐसे एंगेज करना है। ऐसे करने के बाद ये सीट ऐसे लिफ्ट हो जाएगी और इसके नीचे आपको दो कनेक्टर दिखेंगे, एक वेंटिलेशन के लिए है और दूसरा सीट कंट्रोल्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको सीट का जो वेंटिलेशन का कनेक्टर है वो डिस्कनेक्ट करना है और फिर नीचे वाला कनेक्टर डिस्कनेक्ट करना है। ये डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों साइड पर यहाँ पर ये सीट एडजस्टेड होती है या लगी होती है, तो आपको दोनों साइड से ऐसे लिफ्ट करना है इस सीट को और उसके बाद इस सीट का जो पूरा लोअर पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा और उसको आप बाहर निकाल के ऐसे रख सकते हो। मेक श्योर कि इसको बाहर ना रखो क्योंकि इसके जो वेंटिलेशन का फैन है वो खराब हो सकता है। उसके बाद जो इंटीरियर का ये फ्रेम रहता है इसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें अभी रिमूव करनी है। ऑलमोस्ट 4 बोल्ट्स हैं, 2 यहाँ पर नीचे मिलेंगे आपको, 2 आगे फ्रेम में मिलते हैं, तो इन दोनों को भी रिमूव करके हम इस सीट को ऊपर से निकालेंगे। मतलब सीट को रिमूव करने के बाद ऊपर अप स्लाइड करके इसको ऊपर की साइड फिर निकालेंगे। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाऊं तो एक साइड की सीट मैंने जैसे देख रहे हो अभी निकाल दी है, ऊपर जो मेटल का फ्रेम देख रहे हो यहाँ से सीट को लिफ्ट करना पड़ता है। फिलहाल इसका हेडलाइनर रिमूव किया हुआ है क्योंकि उसका जो फैब्रिक है वो रिप्लेस करेंगे, उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो इस साइड की जो सीट है उसको रिमूव करने के लिए आपको सेम वैसा ही करना है। सबसे पहले सीट को आगे करना है, ये ऑलमोस्ट आगे की हुई है मैंने पूरी, तो एक साइड से राइट साइड से लिफ्ट करने के बाद नीचे का लॉक हटाने के बाद आप ये जो सेंटर कंसोल है इसको ऐसे ऊपर कर सकते हो और जो सेंटर सीट है इसको भी आप जस्ट ऐसे रिमूव करके साइड पर रख सकते हो। उसके बाद दोनों साइड से जो सीट है उसके लॉक यहाँ से निकालने हैं। सो सीट को उठाने से पहले इसके नीचे 2 कनेक्टर दिए हुए हैं वो रिमूव करने हैं। बेसिकली आपको नीचे वाला कनेक्टर ही रिमूव करना है जो कि ब्राउन कलर का है, ऊपर वाला कनेक्टर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक लूम में ही होता है। और जो कनेक्टर है उसको डिस्कनेक्ट करना है आपको। उसके बाद ऊपर वाला जो कनेक्टर है उसको बेशक मत हटाओ, आप एक ही चीज है, वो मैंने बाद में वीडियो के अंदर ध्यान दिया था। बस ये एक कनेक्टर रिमूव करना है क्योंकि एक ही कनेक्टर है जो कि हमारे वेंटिलेशन और हीटेड सीट को कंट्रोल करता है। सो ऊपर वाला जो कनेक्टर है वो निकालने की कोई जरूरत नहीं होती आपको। सीट को रिमूव करने के बाद अब इसके अंदर 4 बोल्ट्स हैं, उसके लिए मैं सीट को थोड़ा ऊपर करूंगा ताकि जो नीचे के 2 बोल्ट हैं उसको हम अच्छे से एक्सेस कर पाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रेम में सीट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो बोल्ट है इसको आप एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि फ्रेम बीच में आता है। तो मेक श्योर कि जो ये बोल्ट है उसको आप रिमूव कर दो। और 4 बोल्ट हैं इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो कटआउट बना हुआ है एक फ्रेम में, सीट को आगे पीछे करके प्रॉपर टूल इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे करने के बाद भी हम आगे के जो दोनों बोल्ट है फ्रेम के वो हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद इस बोल्ट को अब हम साइड पर रख देते हैं। और पीछे का जो बोल्ट है यहाँ पर रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, वायरिंग हार्नेस के बीच में से आपको ऐसे टूल लेके जाना है और बाद में इसका जो सॉकेट लगाना है क्योंकि इसका जो पीछे का बोल्ट है वो आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हो आप, तो ऐसा कुछ करना है आपको ताकि जो पीछे का बोल्ट है उसको आसानी से आप एक्सेस कर पाओ और वायरिंग को भी कोई डैमेज ना हो, ऐसे रिमूव करना है आपको। रिमूव करते टाइम जो पीछे का सॉकेट है पहले रिमूव कर लेना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सॉकेट और जो ये बोल्ट है रिमूव हो गया है। अब लास्ट जो बोल्ट है वो इस साइड बचा है उसको भी हमको ऐसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अगर आप सीट बाहर निकाल रहे हो तो मेक श्योर कि जो बोल्ट है उसको आप वापस इन्हीं प्लेस पर बोल्ट ऑन कर दो ताकि वो गुम ना हो। तो ये लास्ट बोल्ट भी मैंने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद नीचे 2 कनेक्टर और हैं जो हमको रिमूव करने हैं। सो एक रेड कनेक्टर है एक येलो कनेक्टर है, इन दोनों को भी आपको रिमूव करना है। रेड कनेक्टर को आप आसानी से रिमूव कर पाओगे बट जो येलो कनेक्टर है उसके अंदर थोड़ा सा आपको पिक टूल या फिर कोई बहुत ही पतला लैटेट लगाना पड़ेगा ताकि वो निकल पाए। सेंटर कंसोल के यहाँ पर आप बोल्ट देख रहे हो, इनको रिमूव करना पड़ता है और इसके अंदर भी दोनों साइड पर छोटे छोटे शॉकर दिए गए हैं। सीट ऐसे रिमूव करने के बाद ही देख सकते हो बिना सीट के A8 कैसी लगती है। ऊपर जो राइट साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो बोल्ट सारे के सारे सेंटर कंसोल के लिए, अगर आप खोलना चाहते हो तो अब सेंटर कंसोल आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसके अंदर इंसुलेशन बहुत अच्छी दी है 8 के अंदर, मतलब आप ड्राइव करते हो तो बाहर की नॉइस बिल्कुल नहीं आती, ऐसा कुछ दिखता है सीट के बिना रियर में। सो अगर आपको रिमूव करने हैं बोल्ट्स तो मैं भी वो रिमूव करके दिखा देता हूँ, मैं सेंटर कंसोल रिमूव नहीं करने वाला अभी, यहाँ पर जितने बोल्ट्स उनको रिमूव करना होता है। और जो सबसे लास्ट बोल्ट है दोनों साइड पर उसको रिमूव करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है जो कि मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ये शॉकर है छोटा ये
इस स्क्रू को बाहर निकलने नहीं देता। जैसे आप अभी देख रहे हो स्क्रू बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि जो ये शॉकर है छोटा ये बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सेंटर कंसोल को नीचे करना है थोड़ा। सेंटर कंसोल को आप इतना नीचे कर सकते हो और बेल्ट से होल्ड कर सकते हो ताकि जो ये बोल्ट है उसको आसानी से हम रिमूव कर पाए। इस एंगल पर आप रिमूव करोगे तो ये बोल्ट आसानी से रिमूव हो जाएगा। बहुत ही बड़ा बोल्ट होता है सबसे नीचे वाला। सो ऐसे आप सेंटर कंसोल के दोनों साइड पर बोल्ट रिमूव कर सकते हो, आप सेंटर कंसोल को बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको रियर पार्सल शेल्फ निकालनी है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये रिमूव करना पड़ेगा हमको सेंटर कंसोल का। इसके बाद जो ऊपर की शेल्फ है या रियर पार्सल ट्रे बोल सकते हो, स्पीकर ट्रे, वो रिमूव हो जाएगी। इसके लिए भी काफी सारी चीजें रिमूव करनी पड़ती है, साइड से काफी सारे ट्रिम्स रिमूव करने पड़ते हैं। जैसे कि राइट साइड का मैं अभी आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये सारा रिमूव करना इसलिए पड़ रहा है मेरे को क्योंकि जो रियर सस्पेंशन है उसके बोल्ट स्पीकर के नीचे है और स्पीकर को निकालने के बाद भी आप वो बोल्ट एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो रियर शेल्फ को बाहर निकालने के बाद ही वो बोल्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, और रियर सस्पेंशन या एयर सस्पेंशन को रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। काफी सारे लोगों को 8 के ऊपर ज्यादा वीडियोज नहीं मिलती है, तो अगर आप रियर एयर सस्पेंशन रिमूव कर रहे हो या स्पीकर अपग्रेड कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी। जैसे कि रियर सीट, सेंटर कंसोल तो निकालने की जरूरत नहीं है, बट दोनों सीट्स, साइड का जो पिलर का ट्रिम है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो रियर ट्रे है या स्पीकर ट्रे है उसको रिमूव कर पाओगे। और अगर आपको एयर सस्पेंशन रिमूव करना है तो स्पीकर को रिमूव करके जस्ट नीचे यहाँ पर 4 बोल्ट है, उसके नीचे जो सस्पेंशन है उसके नीचे एक सिंगल बोल्ट है, उसके बाद ये रियर सस्पेंशन ऐसे बाहर निकल आएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने 8 के ऊपर रियर और फ्रंट दोनों एयर सस्पेंशन को रिमूव करने की प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और 8 के ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।